नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं ममता तिवारी, एजुकेशन न्यूज लेकर आपके बीच हाजिर हूं। क्योंकि इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में स्कूल्स की टाइमिंग में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टाइमिंग में बदलाव किया है, तो कुछ राज्यों में स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है। और इस टेम्परेचर में सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बच्चों को देखने को मिल रही है। तो ऐसे में गर्मी ने अपना प्रकोप अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अभी से ही भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक कई जगह तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। ऐसे में बच्चों को इस भीषण गर्मी के प्रकोप और लू से बचने के लिए कुछ राज्यों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है, तो कहीं छुट्टी कर दी गई है। चुलचुलाती गर्मी और लू से छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को भयंकर गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है। झारखंड की अगर मैं बात करूं, बिहार और झारखंड में जो है स्कूल की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में स्कूल को 10:45 पर बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूं तो पटना के स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। पहले सुबह 7 से 1 बदलकर इसे अब 6:30 से 12:30 की कर दी गई है। इससे जो है स्टूडेंट और टीचर्स की सेफ्टी रहेगी। तो कुछ राज्यों में भीषण गर्मी के चलते जो है स्कूल को बंद भी कर दिया गया है। इसमें पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। त्रिपुरा के सीएम मणिक शाह और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के सभी स्कूलों को 23 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। अभी अप्रैल का आधा ही वक्त बीता है कि गर्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों पर गर्मी की मार झेल रही है, जिसे देखते हुए स्कूलों ने टाइमिंग बदल दी और कुछ सप्ताह के लिए स्कूल बंद तक कर दिए गए हैं। फिलहाल आपके शहर का क्या हाल है, कमेंट में जरूर बताएं।